देखिए आज इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन करना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं इनइक्वालिटी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, एमसीए एंट्रेंस के लिए या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस है उसके लिए, एनडीए एंट्रेंस के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वन देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन द इंटरवेल। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, होल स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लिया, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू वन दे रखी थी, इसकी वैल्यू वन रख ली, ये एज इट इज, ये ग्रेटर देन जीरो, इस वन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो ये हो गया ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन माइनस वन। इस टू को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक तो ये आ गया। अब हमें कहाँ तक रेंज लाई करेगी, इसके लिए हम एक और वो ले लेते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, सभी स्क्वायर हैं तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब इनके स्क्वायर्स ब्रेक करेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टू टाइम्स ए स्क्वायर दो बार आ रहा है, बी स्क्वायर दो बार, सी स्क्वायर, तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको उस साइड ले जाएं तो क्या, ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू वन दे रखी थी, वैल्यू वन लगा लें तो वन इंटू टू क्या हो जाएगा, टू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो ये आ गया अब हमारे पास, ये टू से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, या हम इसको इधर लिख लें तो ये इनइक्वालिटी की साइड ये हो जाएगी। ठीक है, टू से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, वन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आया इस बार, लेस देन इक्वल टू वन। तो फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करें तो कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस हाफ से वन तक लाई करेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस लाइज बिटवीन माइनस हाफ टू वन, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो सी ऑप्शन दे रखा था वो हमारा करेक्ट है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए देखेंगे इनइक्वालिटी का सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है, इफ एक्स वाई जेड आर रियल एंड डिफरेंट एंड यू इक्वल टू, ये गिवेन है, देन यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव जीरो एंड नन ऑफ दीज, तो ये हमें गिवेन है यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर लिया, टू से डिवाइड बाहर, टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सब डबल हो गए, इनको ब्रेक कर दिया, टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एट वाई स्क्वायर को फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, इसको नाइन जेड स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर, ये एज इट इज। अब देखो ध्यान से देखें इसको, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, ये और ये ले लें, तो एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, ये और ये ले लें, तो टू वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर, और जो बचा हुआ है वो क्या बन जाएगा, थ्री जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये सभी स्क्वायर हो गए, सभी स्क्वायर हो गए तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैसा होगा नंबर, हमेशा पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव होगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कि इफ लॉग बेस है 0.3 एक्स माइनस वन लेस देन लॉग 0.09 एक्स माइनस वन देन एक्स लाइज इन द इंटरवेल, इन इंटरवेल में से किस में लाई करेगा, तो इसमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टी यूज होंगी जो साथ ही साथ बताते चलूंगा। देखिए log x माइनस वन डिफाइन कब होगा, जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन वन गिवन था हमें, ये कंडीशन गिवन थी,
तो वहां पॉइंट क्या था, 0.09, तो इसे 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग वाई की पावर बी बेस एक्स की पावर ए, तो बी अपॉन ए लॉग वाई बेस एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी पावर कितनी है, यहाँ 1, और इसकी पावर है ये 2, तो 1/2 बाहर, लॉग एक्स माइनस वन बेस इतना, दोनों का बेस सेम हो गया। आप इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो ये आ गया, ठीक है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी होगी, ए लॉग बी बराबर होता है लॉग बी की पावर ए, तो ये वाली बाहर वाली पावर इसकी पावर बना दी। अब देखिए दोनों तरफ का लॉग हटाएंगे, अगर बेस 1 से कम होता है तो इनइक्वालिटी की साइड चेंज हो जाती है, तो लॉग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इधर की साइड वो हो जाएगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया, सॉल्व होके ये आ गया ये, ठीक है। फैक्टर क्या है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो ये कंडीशन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो हो, ए लेस देन बी है, तो क्या होता है, आइदर एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन बी, तो यही आ गया, एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर देन टू। लेकिन एक्स लेस देन वन नहीं ले सकते, क्योंकि यहां लेस देन वन लोगे तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव में लॉग डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए एक्स लेस देन वन नहीं होगा, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन टू कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा 2 से लेके इनफाइनाइट ओपन इंटरवेल में, ये आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये। तो इस तरह की ये 3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे जो तुम्हारे पीजीटी टीजीटी एग्जाम, एमसीए एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, एनडीए एग्जाम, और भी अदर एग्जाम जहां पर इनइक्वालिटी टॉपिक होगा आपका सिलेबस में, वहां पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMZ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।